यहाँ एक क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड क्या होता है हमारा, HCWH। तो मिक्सचर है किसका, फॉर्मिक एसिड का, जिसका वेट कितना है, 2.3 ग्राम है, एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है हमारा, CWH, CWH, जिसको हम क्या C2H2O4 भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C2H2O4, ठीक है। इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर, अब इसके साथ जो है ट्रीट किया जाता है इनको, फॉर्मिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड को H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो क्या होती है, गैसेस का मिक्सचर जो है प्रोडक्ट के में क्या क्या होता है, गैसियस मिक्सचर बनता है। और जब ये जो गैसियस मिक्सचर जो होता है, अगर हम किससे पास करें, थ्रू KOH पैलेट्स, यानी KOH के जो छर्रे होते हैं, पैलेट्स होते हैं, उनके थ्रू अगर हम पास करें तो क्या होगा, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी, तो प्रोडक्ट कौन सा बचेगा, यानी जो है अगर हम KOH से पास करेंगे तो KOH क्या करेगा इस गैसियस मिक्सचर के साथ, और जो बचेगा फिर प्रोडक्ट KOH के जो है गैस में से जो भी है कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो बची गैसियस मिक्सचर जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो जो है उसका वेट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, 2.8 ग्राम। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो मिक्सचर काय का लिया गया है, एक तो फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, जिसका वेट कितना है, फॉर्मिक एसिड का 2.3 ग्राम है, ठीक है ना। फिर क्या लिया गया है हमारा, C2H2O4 है ना, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, जिसका जो है वेट कितना लिया गया है, इसका वेट जो है ऑक्जेलिक एसिड का वेट कितना लिया गया है, 4.5 ग्राम लिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है, हमारे इस फॉर्मिक एसिड को, ठीक है ना, और किसको, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड को किससे ट्रीट किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या वर्क होता है, चूँकि ये कॉन्सेंट्रेट है, गाढ़ा है, तो ये क्या करता है, रिएक्टेंट में से जो है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, रिएक्टेंट में से जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वाटर तो यहाँ पर कंपलसरी दोनों रिएक्शन में निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों रिएक्शन में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया है। अब इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसे ही हमने यहाँ पर फार्मिक एसिड से H2O निकाला, H2OH, तो क्या बचा हमारा, CO, यानी एक प्रोडक्ट ये हमारा तैयार हो गया। और यहाँ से H2 और एक O निकाला, तो यहाँ क्या बचा, C2O3, यानी क्या, एक तो CO2 और एक CO, ठीक है ना, हो गया C2O3, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारी जो भी रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, मोल पर बेस्ड होती है, तो हम जो है इनके मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना, फार्मिक एसिड के और किसके, ऑक्जेलिक एसिड के। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट हमारा अगर हम निकालें किसके, HCWH के लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए, तो वेट कितना दे रखा है, 2.3, और फॉर्मिक एसिड का मॉलिकुलर वेट क्या होगा, दो तो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है इसमें, तो कार्बन का हम जानते हैं कितना, 12 होता है एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो के दो, और ऑक्सीजन के कितने होता है, एक का 16, तो दो के कितने हो जाएंगे, 32, तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉलिकुलर वेट इसका, 46 ग्राम आ जाएगा।
ठीक है ना, फार्मिक एसिड का मोलिकुलर वेट। तो हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे 46, ठीक है। तो 23 दुनी 46 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/20 मोल्स जो है ये हमारे फार्मिक एसिड के हो जाएंगे। इसी तरह हम किसको, इसी को जो हम दोहराएंगे किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो क्या हो जाएगा N W m, कितना दे रखा है इसका वेट हमारा क्वेश्चन में 4.5। अब हम जो है किसके ऑक्जेलिक एसिड यानी C2H2O4, तो C2H2O4 का मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का क्या हो जाएगा 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का जो है 1, तो 2 का 2 × 1, और ऑक्सीजन कितने है 4 है, 1 का कितना होता है 16। तो यहाँ टोटल हमारा मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 90 ग्राम आ जाएगा। फार्मूले में हमने यहाँ पर रखा मॉलिकुलर वेट 45 × 2 = 90 होता है 45 × 90, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/20 नंबर ऑफ मोल्स ऑक्जेलिक एसिड के लिए भी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे फॉर्मिक एसिड का कितना मोल हमें मिला था, 1/20, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है और जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पर ये 1 है और इसके मोल कितना है 1/20। तो स्टार्ट में रिएक्शन नहीं हुई तो ये 0, ये 0, लेकिन जैसी बाद में ये रिएक्शन होगी और CO2 और H2O बनेगा, तो ये 1 है, इसके मोल है 1/20, तो ये भी 1 है, तो इसके भी मोल क्या होगा 1/20, ये भी 1 है इसकी तरह, तो इसके मोल भी क्या हो जाएगा 1/20। सेम उसी तरह हम यहाँ पर जो है ऑक्जेलिक एसिड के लिए करेंगे, तो क्या आया था हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए 1/20। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, स्टार्ट में रिएक्शन अभी नहीं हुई तो सब प्रोडक्ट बने ही नहीं, सब 0, 0, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में ये 1 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, तो ये 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/20, ये भी 1/20, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, H2O, तो ये भी 1/20, ठीक है। यानी हमें इसके इतने मोल्स सब गैसेस के, किनकी वजह से, फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से इतने हमको गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल H2O मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों रिएक्शंस को वॉच करें, तो जो H2O था ये तो किसने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। यहाँ का भी जो H2O है ये किसने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी अब क्या क्या बच रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एस्टिक एसिड से निकली हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्जेलिक एसिड से निकली हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्जेलिक एसिड से निकली हुई, यानी तीन गैसेस के मिक्सचर यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की तरह दोनों, यानी फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड के मिला, या फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के मिलाकर ये तीन गैसेस के मिक्सचर हमें मिल जाएंगे, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ हमारे पास जो गैसेस का बचा हुआ यानी रिमेनिंग मिक्सचर जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि फार्मिक एसिड से मिला है, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ऑक्जेलिक एसिड से मिला है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये भी ऑक्जेलिक एसिड से मिला हुआ है, ये गैसियस मिक्सचर है। इस गैसियस मिक्सचर को, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर हम KOH के पैलेट्स पर से, छर्रों पर से गुजारें, तो ध्यान रखना KOH जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। हमारा H2O तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पहले एब्जॉर्ब कर चुका था, ठीक है, जो कि उसकी क्वालिटी होती है, और यहाँ पर KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एक फार्मिक एसिड से मिला हुआ है और एक ऑक्जेलिक एसिड से मिला हुआ, ये प्रोडक्ट हमारे पास बचा है। और क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसका वेट क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका वेट क्या होगा। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो चुकी, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी गैसेस मिक्सचर में से। अब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या मोल था, 1/20 प्लस दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या मोल था, ऑक्जेलिक एसिड वाली इसका भी 1/20 था, यानी टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर हमारे दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस के मिक्सचर के जो है 1/10, ठीक है ना,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, प्रोडक्ट जो बचा है जो अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है ना, 1/10। और इसी जो है अनएब्जॉर्ब्ड जो गैसियस मिक्सचर जो प्रोडक्ट बचा है इसका वेट हमें बताना है। तो हमारा वेट का फार्मूले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने देखा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हम वेट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट, ठीक, मोलिकुलर वेट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बची प्रोडक्ट की तरह, तो उसी का मोलिकुलर वेट रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस मिक्सचर का वेट क्या हो जाएगा, एन हमारा कितना आया दोनों का मिलाकर, टोटल 1/10 नंबर ऑफ मोल्स। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16, तो 28 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 ग्राम रख देंगे, ठीक है। तो इसको हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2.8 ग्राम बचे हुए प्रोडक्ट का जो है हमारा ये वेट, रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट आ जाएगा सीओ के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।